स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज मैं आपको बहुत सारी अपडेट देने वाला हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर ज़रूर करेगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो यार अब कर देना। सबसे पहली बात, अपडेट उन बच्चों के लिए जो अभी टर्म 2 के बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। आप लोगों के लिए यूट्यूब पर इस वक्त बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, देखो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल, एग्ज़ाम कैंसिल है, आज हो रही है सुनवाई। देखो भाई, सीबीएसई ने कहा था कि टर्म 2 के जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होने के चांसेस होंगे अगर कोविड के केसेस इंक्रीज हो जाएंगे। कोविड के केस इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट कहीं पर भी नहीं है रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन कि आपके बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं। तो जितने भी बच्चे हैं जो सीबीएसई एग्जाम देने वाले हैं, 26-28 तारीख से पेपर एग्जाम है, आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। पढ़ना जैसा आपने कर रखा होगा, आई होप आप सभी ने अपना स्कोरिंग करने के लिए सारी प्रिपरेशन कर ली होगी। प्रिपरेशन अपनी एंड मत करिएगा बेटा, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, किसी के भरोसे मत बैठिए पेपर कैंसिल होगा या नहीं। और यूट्यूब पर तो कतई मत आइए कि यूट्यूब पर बवाल चल रहा है इस समय बस आपको भटकाने के लिए। और क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सब कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अभी भी कोई सीबीएसई की ऑफिशियल अपडेट नहीं है। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए फ्री फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। रिपीट कर रहा हूँ, 9690105047। दोनों बच्चों के लिए, चाहे आप अभी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो या अभी आप क्लास 12th में आए हो। अब दूसरी चीज, दूसरा अपडेट ये है, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सीबीएसई की तरफ से अपडेट ये है कि पहले आपको मालूम था कि टर्म 1 और टर्म 2 होता था, अब उसको कैंसिल करके नया सिलेबस आ गया है आपका, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस, सभी सब्जेक्ट के लिए। अब हुआ क्या है कि जिस तरीके से पहले एग्जाम होता था, सारा का सारा एक बार में एग्जाम होते थे, उसी तरीके से आएगा। टर्म 1 टर्म 2 कैंसिल कर दिए हैं, थ्योरेटिकल पेपर हुआ करेगा आपका, वही 20-25 MCQs, फिर बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन उस टाइप के। अकाउंट्स में अपडेट ये है कि जो सिलेबस उन्होंने इशू कराया है वहां कहीं पर भी जो आपका क्लास 12th में चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ, वहां पर उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो मे बी कि 2023 के लिए आपका जो चैप्टर है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शायद उसको हटा दिया गया है। कंफर्म है या नहीं मैं और अपनी सोर्सेज से देखकर सिलेबस को और थोड़ा सा स्टडी करके बताऊंगा, लेकिन अभी तक 80% कंफर्म है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर था अकाउंट्स में, उसको हटा दिया गया है। जो बच्चे अभी क्लास 12th में आए हैं वो भी प्लीज़ ध्यान दें, और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो भी ध्यान दें। अगर आपको फ्री लाइव क्लास ज्वाइन करनी हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सारी लिंक दे दूंगा, कैसे ज्वाइन करना है, कहाँ पे ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ पर यार अपने प्यारे से गुरु जी को फॉलो करिएगा। टेलीग्राम पर चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू।